हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से सीयू सेट का सलूशन है, जो कि ये 2019 का है और ये पार्ट 3 है। जो भी चैनल पर नए हैं, एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, वहां पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के सलूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये जो सीरीज चल रही है सीयू सेट की, आज जो 2019 का खत्म होगा, इसके बाद एक ईयर का और मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड करने का। और जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, काफी फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं 76 को। अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर टी विच रेड्यूसेस टू जीरो। इस केस में क्या होता है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है आपकी, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है द फ्री एनर्जी ऑफ ए फोटोन गैस इंक्लोज इन ए वॉल्यूम बी इज गिवन बाय -1/3 अल्फा वी टी टू पावर 4, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर ऑफ द गैस, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन गैस। तो देखिए, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन गैस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये होता है डेल म्यू बाय डेल एन। तो यहाँ पे एन का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी जीरो हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास एम नॉट इज प्लेस्ड इन ए रॉकेट, द रॉकेट इज मूविंग विद वेलोसिटी बी इक्वल टू 0.6 सी, द मास ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय ए पर्सन सिटिंग इन द रॉकेट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, जो कि हमें नहीं पता किसका पेपर है, इन्होंने लगाया हुआ है एम नॉट बाई 8 जो भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात थी कि क्या पूछा है, द मास ऑफ द बॉडी प्रेजेंट बाय ऑब्जर्व्ड बाय ए पर्सन सीटिंग इन द रॉकेट। रॉकेट के अंदर जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा, जो किसके इक्वल होगा, एम नॉट के इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे वो राइट ऑप्शन होगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, द लॉरेंट फॉर्मेशन आर इक्विवेलेंट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस इन 4D स्पेस थ्रू एन इमेजिनरी एंगल। तो किसके इक्वल होता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है टेन आई बीटा। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। सॉरी, टेन इनवर्स आई बीटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका, ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 0.9 c इज इंक्रीज बाय 1% देन द इंक्रीज इन इट्स एनर्जी। तो आपको पता है बोला जो फॉर्मूला होता है ये वाला, e² = p² c² + m₀² c^4। तो यहाँ पे डेल्टा ई बाई बी, ये वाला जब आप करोगे डिफ्रेंसिएशन, ये जीरो दे देगा, तो यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा ई बाई ई विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। तो यहाँ पे जो कितना चेंज हो रहा है 1%, तो ये भी जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द होमियोजिनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। यहाँ पे भी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एनर्जी होगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल हैज रेस्ट मास एम नॉट एंड मोमेंटम एम नॉट सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द टोटल एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी आपको, वो होती है ई की वैल्यू t - m₀ c²। ओके, और इसी को लिखा जाता है कितना, t² c² + m₀² c^4। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी m₀² c^4 + m₀² c^4। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2m₀² c^4। तो ई की वैल्यू जो आएगी आपकी, आएगी अंडर रूट 2m₀ c²। और यहाँ पे ये तो अंडर रूट 2m₀ c² अगर केवल रहता तो यहाँ पे, लेकिन देखिए दो ऑप्शन आ रहे, तो हमें एक बार और लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें वेलोसिटी भी देखनी है। तो मोमेंटम लगा दीजिए, पी इक्वल टू क्या होता है आपका, m × v, मतलब m₀ c। तो यहाँ पे m × v रख लीजिए, इसको m₀ c कर दीजिए, m को लिख दीजिए आप m₀ √1 - v²/c²(v)=m₀ c। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी c/√2। तो ऑप्शन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन (ψ) = a exponential i kx, लिमिट दिया 0 to L के बीच में, द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। इसको आप सिंपली कर लो, (ψ) · (ψ) dx = 1। तो ये कितना आ जाएगा, (mod a² (exponential i kx - i kx) dx = आपका जो क्वांटिटी आ जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए 0 to L, ये सिंपली क्या दे देगा, L दे देगा। तो ये आ जाएगा आपका a की वैल्यू 1/√L। तो ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर द वेव फंक्शन ψ = n exponential -x² / 2a² + i kx,
द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंट। देखिए ये रेफरेंस प्रॉब्लम है, किसी भी बुक में आप देखोगे वहां पे मिल जाएगा। इसमें जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मोमेंटम की आएगी माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स से आप कर लोगे तो वो कितनी आती है, एच कट के आती है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली टिक कर लीजिए, एच की जगह एच कट लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 85 प्रॉब्लम देखिए, जो मेरे पास पेपर है उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये मॉड है कि क्या है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो किसी के पास सही पेपर होगा तो आप देख लेना या ग्रुप में डिस्कस कर लेना। इसको मैं यहाँ पे अभी कैंसिल आउट करता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अगर मॉड होता तो यहाँ पे ऑप्शन सी शायद राइट हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, 86 पे आते हैं। 86 कह रहा है फॉर ए फ्री पार्टिकल द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन बी रिटेन एज। फ्री पार्टिकल के लिए हमें अनसर्टेनिटी रिलेशन बताना है। तो आपको पता होता है कि डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। ठीक है, और आप लिख सकते हो पी की वैल्यू कितनी होती है, एच बाई लैमडा होती है। तो डेल्टा पी को आप लिख सकते हो माइनस एच अपॉन लैमडा स्क्वायर डेल लैमडा, और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको आएगा डेल्टा लैमडा इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर अपन 4 पाई। तो जो कि ऑप्शन सी आपको यहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी को आप क्या कर लो, राइट ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है, आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ मैजिक नंबर। तो ये सबको पता है कि 2, 8, 20, 28, 50 ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आप इसको सिंपली टिक कर लीजिए। ओके, अब देखिए द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ इज 20 मिनट, द फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में कितने हाफ लाइफ टाइम हो जाएंगे, 2 आवर्स में आपके 120 मिनट हुए और एक हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू है 20, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और आपको पता है कि n इक्वल टू n नॉट 1/2 n होता है, यहाँ पे n नॉट 1/2 n के पावर रख दीजिए 6, तो ये आ जाएगा n नॉट 64। तो रेड जो ऑप्शन आएगा वो कितना बचेगा आपका, 1/64। तो ऑप्शन डी को आप कर लो राइट ऑप्शन। 89 देखिए ये भी एक रेफरेंस प्रॉब्लम है, फॉर ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस द मीन लाइफ इज t, द नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम इज n एट t इक्वल टू 0, द नंबर ऑफ डीके बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 2 t इज, ये कितना होता है n 1 - exponential t/t। ये भी एक रेफरेंस प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240 डिकेज बाय अल्फा एमिशन टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियस, द क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इज 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इसको कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने का, वो क्या होता है a-4/a × q वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, a-4 आ जाएगा 236, a की वैल्यू है 240 इंटू क्यू की वैल्यू आपकी 5.26। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ऑप्शन बी जो आपका आएगा 5.17 वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आप टिक कर लीजिए। ईवी में है ये भी, मेगा ईवी में, ये भी याद रख रहिएगा। नेक्स्ट देखिए द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पैरिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निकालना है अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल। सेल मॉडल इसको निकालने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कैसे बनता है। पहले किस में जाता है, 1s में जाता है, p के दो होते हैं, ये होता है 1p3/2 1p1/2। इसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ये भी याद रख के रहिएगा। ये आता है 1d5/2, ये आता है 2s, ये आता है 1d3/2। कितना निकालना है हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए तो 9 आ जाएंगे। अब 9 के यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4, 2, 6, 2, 8, और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें फिल किया जाएगा, तो 5/2 मेरी आ गई। पैरिटी कितनी होती है, -1 to the power l होती है, और d के लिए आपका क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो -1 to the power 2 मतलब 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 5/2 to the power प्लस कुछ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा 91 में, तो आई होप कि ये रॉन्ग दिया हुआ है, जैसा भी है मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको आप देख लेना जो भी है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ या मैं देख लूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिख नहीं रहा। ओके, 92 पे आते हैं, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द होल्स इन द सेमीकंडक्टर इज 7/5, द रेशियो ऑफ करंट इज दिस, देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्प्लोसिटी। डिस्प्लोसिटी निकालने के लिए क्या है, दोनों का रेशियो ले लो, ये आ जाएगा 7/4/7/5, तो जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 5/4 आ जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए 5/4 ऑप्शन डी को। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ ए सेमी कंडक्टर हैज एन इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन इज 1.4 × 10^6 मीटर क्यूब व्हेन डोप्ड विद 10^21 मीटर क्यूब फास्फोरस एटम, देन द कंसंट्रेशन ऑफ होल। देखिए यहाँ पे इंट्रिंजिक ni का दिया है और यहाँ पे ni का दिया, तो आपको पता है कि ni NH किसके इक्वल होता है, ni स्क्वायर के इक्वल होता है,
तो एन एच की वैल्यू कितनी आएगी आपकी एन आई स्क्वायर बाई एन ए, और एन आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1.41 10 टू पावर 16 का होल स्क्वायर अपॉन एन एच की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी एन आई की 10 पावर 21 करके सॉल्व करके देखिएगा तो अप्रॉक्सिमेटली 2 इंटू 10 पावर 11 आएगा। तो ऑप्शन बी को आप क्या कर लो, राइट ऑप्शन टिक कर लो। नेक्स्ट देखिए 94 का, एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर गिव्स सस्टेन्ड ऑसिलेशन व्हेन द फीडबैक इज, देखिए सस्टेन ऑसिलेशन तब देगा जब हम फीडबैक क्या लगा दें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में। ये देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको लगाना पड़ेगा पॉजिटिव एंड इन फेज विद द इनपुट। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इफ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट देन इट्स डीसी वोल्टेज। देखिए ये क्या है, बीएचयू का भी पेट क्वेश्चन है, ये कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट गलत लगा के आते हैं। ध्यान दीजिए कि जब भी हमें डीसी वोल्टेज के लिए लगाना होगा, फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2V0/5 हो जाता है। बी नॉट कितना आपका 2×10 पाई के वैल्यू रख दो 3.14, ये अराउंड आ जाएगा आपका 6.36 वोल्ट के। तो ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए व्हेन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैविंग अ करंट गेन ऑफ 75 इट्स गिवन इनपुट सिग्नल बीटी इक्वल टू 2 sin 1570 + π/2 एंड समथिंग इज गिवन 1570 + 3π/2 आउटपुट सिग्नल है ये, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले नेट फेज डिफरेंस निकालना होगा जो कितना आ जाएगा आपका 3π/2 - π/2 डेट मीन्स पाई, तो ये कौन सा होगा कॉमन इमीटर होगा एम्पलीफायर। तो ऑप्शन जो सी होगा आपका यहाँ पे वो राइट ऑप्शन होगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए द फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पिंड एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन द बैलेंस बैंड एट रूम टेम्परेचर, तो किसमें होता है बिटवीन 0 and 1/2 के बीच में होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा आपका वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। अब देखिए 98 द बुलियन एक्सप्रेशन ये जो दिया हुआ इज इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ इसको इजी करने के लिए, ये कैसे इसको आप लिख सकते हो, ये देखो इसको आप लिख सकते हो a^b + ab को एक साथ ले लीजिए और प्लस ए बार लिख दीजिए, और इसका क्या आपका बार है राइट, ये कितना दे देगा 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 + a^2 का बार, 1 + a^2 कितना आएगा 1 आएगा, तो ये कितना आएगा आपका 1 का बार और ये देगा 0। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इफ द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लॉजिक गेट 1 देन द गेट इज आइदर, अब ये देखिए सारे के सारे इनपुट 1 है लेकिन आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो नॉर लो या तो एक्सॉर लो। तो ऑप्शन जो सी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2V/dt² - 2dV/dt + b1 = 0 इन्वॉल्विंग वोल्टेज Vt and V1 एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट वुड रिक्वायर एट लीस्ट, तो इस तरह के सर्किट के लिए कम से कम मुझे क्या चाहिए होगा, 2 ऑप एम्प चाहिए होंगे इंटीग्रेटर और 1 ऑप एम्प चाहिए होगा एडर। तो ऑप्शन जो ए है आपको यहाँ पे वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने 2019 का सोल्यूशन दे दिया है, तो जो भी आपको सोल्यूशन रॉन्ग लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो जो भी रॉन्ग सोल्यूशन की होंगी उसके ऊपर हम मैं रिलीज कर देंगे, और या तो अपने ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं वैसे प्रॉब्लम को। तो जल्दी किसी एक ईयर का और मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये सीयू सेट का। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये आप लोगों से है कि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं जो भी कोचिंग क्लासेज अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।